साफ नहीं आ रहा इसमें है ना, वो है क्या? हो गया वो, इसमें कहाँ लिखा है वो फिनिश करना वगैरह देख बाद में हुआ था तो यहाँ का लाइव वीडियो ये समाप्त करें, के। अच्छा ये बाद में है यहाँ ना, पे करने के बाद फिर वो सेव करो, इसे सेव कहाँ है? मैं उसके ऊपर से बात होगा बाद में, ओके ना समाप्त करने के बाद। अच्छा जन सुलभ पुस्तकालय में अभी हो गए के लिए। हेलो हो गया लाइव तो। अर्पण कुमार जी सुनाई दे रहा है, थोड़ा ऐसा करता हूँ। अर्पण कुमार जी एक बार उनको फोन करके पूछ ले, अर्पण कुमार जी है ना, तू ही पूछ लेना, मैं क्या पूछूंगी यार, तू ही पूछ लेना, ये है ना। क्या पूछना है? बस शुरू कर दूं क्या? यहाँ से करें तभी भी आपको अपना ओटीपी शेयर करने या अपने अकाउंट में ईमेल आईडी अपडेट करने के हेलो लिए नहीं कहता। सब लोगों सावधान। को, मित्रों को मेरा नमस्कार। अरे वो तो लिखने वाला तो मैंने किया नहीं, ठीक है ठीक सर। है शुरू कर दूं? हाँ 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 ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर, सुना दे रहा फास्ट। और वो है उसका किया ही नहीं मैंने, तो जो लिखा हुआ था वो कहाँ पर है तो उसमें है। लैपटॉप में? चलो लैपटॉप तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें है ना उसको व्हाट्सएप में? कहाँ व्हाट्सएप में नहीं है ना, तुम्हें डालूंगा भला डालेंगे, मेल में है ना, पर मेल तो बहुत दूर है। इनबॉक्स में? सेंड सेंड में? सेंड में सेंट में सेंट मेल में देखना। अनुवादक अनुवादक उसके नाम से बहुत लास्ट में है। हाँ उसको अब कहाँ रखेगा? सब लोगों को नमस्कार, मैं जनक सुलभ पुस्तकालय के पेज पर मुझे आज अर्पण कुमार जी ने याद किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। मैं इसको फिर इस पेज पर आई हूँ, अपने बारे में बताऊंगी, कहानियों के बारे में भी आपको बताऊंगी, और आप जो है इनको ये कोई अभी मेरे साथ जुड़े नहीं है, जुड़ने का इंतजार करूं मैं कि मैं बोलूं, नहीं चाहिए। ये खोलो 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 इसको पेस्ट वो कर ले, यस, डाउनलोड डाउनलोड कर, छोटे यस पे दिख जाएगा फिर। छोटे तो जूम हो जाएगा। हेलो। मैं भाग्यम शर्मा जयपुर से हूं, और आज मैं आपको रचनाकार एवं अनुवादक के रूप में अपने साहित्य की यात्रा एक आत्म अवलोकन प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसा है कि मेरी साहित्य की यात्रा बहुत लंबी नहीं है, मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक था और मेरे लिए वातावरण भी इसके अनुकूल था। घर में सभी पत्रिकाएं आती थीं और अतः मैं उन्हें पढ़ती थी। मेरी माँ को भी पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे तो उपन्यास पढ़ने के लिए मना करा हुआ था, फिर भी मैं छुप छुप कर पढ़ लेती थी।
चाहे वो शरद चंद्र जी की हो या प्रेमचंद की या चतुरसेन शास्त्री की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इन उपन्यासों को, बस मुझे उपन्यास मिलना चाहिए। कई बार गुलशन नंदा की मिलती तो वो भी मैं बड़े चाव से पढ़ती थी। शादी के बाद ससुराल आई तो पति भी ना केवल पढ़ने के शौकीन थे, परंतु वे एक बड़े लेखक भी थे और उनके लिखी हुई पुस्तकें बोर्ड और यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी थी। तो उनके जो है गांधी साहित्य के बारे में उनकी बहुत रुचि थी, पढ़ना लिखना उनका प्रिय शगल था। अतः मेरी सारी पत्रिकाएं मेरे घर पर आती थी। उस जमाने में आपको मालूम है धर्मयोग, हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नवनीत, सरिता, रीडर डाइजेस्ट, सभी कुछ हमारे घर पर पत्रिकाएं आती थी और विभिन्न प्रकार के उपन्यास जो थे वह पुस्तकालय से ले आते थे मेरे पतिदेव। और वैसे भी मैंने भी शिक्षण कार्य 28 साल तक किया है, तो मैं अपने स्कूल के पुस्तकालय से भी लेकर आती थी। और लिखा तो मैंने कभी नहीं है ना, तो उसके लिए आकाशवाणी में मेरे प्रोग्राम आते थे, तो उनके लिए मुझे जो है कभी कभी मैं उसके लिए लिखती थी, जो भी भेजना होता था तब लिख देती थी, परंतु मैंने कभी पत्र पत्रिकाओं में नहीं भेजा। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, अतः मैंने जो है क्या करूं, खाली रहना तो अच्छा नहीं लगता है अब जो है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद क्या करूं सोचा मैंने। फिर उसमें जो है बहुत कुछ सोचा, ये करूं वो करूं, पर मुझे जो है हमारे आस पड़ोस में लेखिकाएं थी तो उनसे मिलती तो मुझे लगता कि वे लोग तो महान हैं, कोई अलग चीज है जो लिख सकती हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा मुझे लगता था। परंतु परम एक दो बार मैंने लिखा, अखबारों में भेजा तो देखा तुरंत के तुरंत छप गए, तो इससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने उसके बाद जो है निरंतर लिखना शुरू किया। मेरी बेटी को भी साहित्य से बड़ी रुचि थी, उसकी पढ़ने की स्पीड भी बहुत तेज थी। वह मुझे बताती थी कि उपन्यास में जो है ये उपन्यास बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया मम्मी, इसको जरूर पढ़ना। उसके ऐसे कहने के बाद मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हो जाती, कम समय मिलता था, नौकरी थी और घर में कामकाज के अलावा, परंतु जब बेटी ऐसा कह देती तो मैं इस उपन्यास को जगकर भी, रातों में जगकर पढ़ लेती थी। अखबारों में छपने से मेरा जो उत्साह था वह बड़ा हो गया और उत्साह की वजह से मैं जो है लिखती चली गई। अखबारों में छपने से गुस्सा तो था, परंतु एक बार एक बड़े साहित्यकार और पत्रकार डॉक्टर दुष्यंत जी ने मुझे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आप जो है अनुवाद भी कीजिए और हमारे जो अखबार है वह उसको जो है अनुवाद को प्राथमिकता देता है। अब मैंने सोचा मैं तमिल तो जानती थी, मेरी मातृभाषा तमिल थी, फिर मैंने अनुवाद भी करना शुरू कर दिया। लिखने से भी ज्यादा प्रसिद्धि मुझे अनुवाद करने में मिला, यह मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात है। कोई बोल देख रहे क्या? ऑन कर ले। और इससे मेरे तमिलनाडु की संस्कृति हेलो, यह अनुवाद मेरे लिए अनुवाद तमिलनाडु और साहित्य के बारे में सबको, यहाँ के लोगों को जानकारी मिली और यहाँ के रहन सहन और साहित्य के बारे में जब पता चला तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। साहित्यकारों से मेरा भी, तमिलनाडु के साहित्यकारों से भी संपर्क हुआ। कोई देख नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अब तमिल से अनुवाद करती हूँ तो मुझे तो बहुत सी, एक बार क्या हुआ कि मैंने एक सोचा मैं
किताब तो यहाँ मिलती नहीं थी। मेरे पास पत्रिकाएं जो मैं भोपाल जाती थी तब लेकर आती थी, तो एक पत्रिका को मैंने जो है उससे कहानी को लेकर, और मैंने उस कहानी का अनुवाद किया और छापने को दिया, तो उन्होंने बताया कि ये जो है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब भाई परमिशन की तो बात ये थी कि परमिशन को कैसे करें, क्योंकि मैं तो जयपुर में हूं और वो लोग तो कौन है ये भी नहीं पता। और लेखक का नाम माधवी लिखा हुआ था, तो मैंने किसी साहित्यकार के थ्रू पूछवाया ये माधवी नाम के जो हैं उनका मुझे नंबर चाहिए। तो उन्होंने फोन नंबर भेजा। भेजते ही मैंने क्या किया कि मैंने सोचा माधवी कोई लेखिका होंगी भाई, तो मैंने उनको फोन लगाया। जैसे ही एक आदमी की आवाज आई, मैंने सोचा ये आवाज कैसे है, तो मैंने बोला मुझे तो माधवी से बात करनी है। उनने कहा मैं ही माधवी के नाम से लिखता हूँ, मैं लेखक हूँ, वैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, पर मेरी हॉबी है मैं लिखता हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उनसे उस परमिशन के लिए पूछा। उन्होंने न केवल परमिशन दी, मुझे तो उन्होंने 3-4 किताबें भेजने के लिए बोला, और 4 दिन में ही 4 किताबें आ गई और मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद जो है अब मुझे और भी लोगों के ये कहानी फिर मेरे मैंने लिया तो उसको भेजने के लिए डेली न्यूज में। डेली न्यूज के जो संपादक से किसी ने कहा हमको बड़ी अच्छी कहानी चाहिए, और वो मेरी कहानी पत्रिका में छप गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पहला अनुवाद जो है पत्रिका में छपी, और उसका कहानी का नाम था आम का पेड़। और इस तरह से मैं अनुवाद करने लगी, और निरंतर अनुवाद करते हुए सभी मैगजीन डाक से भी मंगाने लगी, और डाक से जो मंगाती थी और उनमें से जो पसंद मुझे आता था तो उसको मैं क्या करती थी कि उनको लेखक को, वो संपादक को लिखती, भैया इस लेखक का नंबर दे दो, और उनसे लेके मैं परमिशन ले लेती थी। बाद में जब मेरा वहां पर जाना हुआ मद्रास में, चेन्नई जाने का एक मौका भी मैं छोड़ती नहीं थी, ताकि मैं वहां के साहित्यकारों से भी मिल सकूं, और साथ में क्या है कि वहां से मैं किताबें भी खरीद के ला सकूं ताकि अनुवाद के लिए। और इस तरह मेरे करने के बाद मेरे पास काफी सारी कहानियां जो अखबारों में आई थी लिख ली गई, तो मैंने सोचा किताब छपूं। इससे पहले क्या हुआ कि मैंने वैसे बैठे बैठे वो उनकी अपने जो सी राजगोपाल आचारी, उनकी जो है बच्चों की कहानियां थी वो मुझे बड़ी पसंद आई, उनकी किताब मैंने पूरा अनुवाद कर दिया। उसको पत्रिका प्रकाशन वालों ने मांग कर छाप दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी भी किताब छप गई। अब जो बड़ों की जो मैंने अनुवाद किए थे उनका भी मैंने एक किताब जो है प्रतिनिधि दक्षिण की कहानी के नाम से मैंने साहित्यकार ने छापी। और उसके छपते ही और निरंतर और अखबारों में तो छप ही रहे थे, तो एक दिन मेरे पास अचानक नलिनी उपाध्याय जी, जो लेखिका संस्थान की अध्यक्षा थी, उनका फोन आया कि आप अपना बायोडाटा भेजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी संस्था आपको सम्मानित करेगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि सम्मान क्या होता है, सम्मान क्या। तो जैसे ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मुझे ये पहला पहला सम्मान था वेणु सम्मान, और इस सम्मान के मिलते ही मेरी खुशी बहुत खुशी हुई। और इसके बाद मुझे कई बड़े बड़े सम्मान मिले, पर सबसे ज्यादा खुशी इसी सम्मान के लिए मुझे मिली।
इसके बाद नीम का पेड़ मेरे अपनी लिखी हुई कहानी की किताब भी छपी और उसके बाद समकालीन तमिल प्रतिनिधि कहानियां वो दीपक प्रकाशन से मैंने छपवाई थी। मुझे बताया गया कि साउथ के लेखकों को मैं जानती नहीं थी जिनका अनुवाद करती थी, तो अब जाके मेरे को उन लोगों से भी परिचय हो गया और इन किताबों में मैंने जो कुछ निरंतर मैं जो तमिल साहित्य को इतना ज्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, मैंने तो हिंदी साहित्य ही पढ़ती थी, पर उसके बाद मुझे जो है उसमें रुचि बढ़ गई। मैं तमिल साहित्य को बहुत सारा उनके लेखकों के बारे में साहित्य के बारे में पढ़ना शुरू किया। दो इस बीच क्या हुआ कि जिसका एक उमा जानकी रामन एक लेखिका है जो बेंगलोर में रहती हैं और तमिल में लिखती हैं। उन्होंने क्या किया कि एक उनकी कहानियों को मैंने जैसे छापा तीन चार कहानियां, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा प्लीज एक पूरी किताब को ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, तो मैंने भी उनकी एक पूरी किताब झूला नाम की किताब पूरे को मैंने ट्रांसलेट किया और जब छप गई और उसको नासिक में पुना के पास जो नासिक है वहां पर जो है एक संस्था है हिंदी की बहुत बड़ी संस्था, उन लोगों ने मुझे उस अनुवाद के लिए मांगा था, मैंने भेजा था, तो उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे बताया कि मैंने 65 साल बाद तो लिखना शुरू किया और इसके बाद अभी मैं 76 ही हो गई, परंतु मैं जब 78-9 की थी तब वसुंधरा राजे ने दैनिक भास्कर में एक कंपटीशन निकला कि आपने कुछ अपने इधर से किया हो, तो मैंने कहा भाई मैंने तो 65 साल बाद लिखना शुरू किया, तो उन लोगों ने मुझे एक पुरस्कार दिया कि जोनल अवार्ड। वो जोनल अवार्ड जो है वो वसुंधरा राजे से मैंने लिया, इस बात का मुझे उस समय की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी वे, तो उनके हाथों से लेना मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे नहीं घूम रहा है। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुना देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बीच में आपको एक कहानी सुना दूं। तो पहले मैं सोच रही हूँ आपको एक तमिल की, मैं जबकि अनुवाद करती हूँ तो आप लोग को भी तमिल की कहानी सुनना अच्छा लगेगा, वहां के नाम वहां का थोड़ा रहन सहन भी अलग है, इसलिए मैं आपको एक कहानी जो सी राजगोपालाचारी जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और वे स्वतंत्रता सेनानी भी, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार भी थे, राजनीतिक भी थे, उनको भारत का इस आधुनिक काल का चाणक्य भी कहा जाता है, बड़े ही इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने एक कहानी लिखी है मुत्तांडी। मुत्तांडी एक उनके घर काम करने वाला रसोईया का नाम है। कंदस्वामी शेट्टियार बड़े जमींदार थे, वे बड़े समझदार व होशियार थे, वे खानदानी रूप से धनवान थे। उसके साथ ही अपने प्रयत्नों और किफायती स्वभाव के कारण सभी जमींदारों में उनका प्रथम स्थान हो गया, अतः लोग उन्हें राजा कंदस्वामी शेट्टियार ये कहकर पुकारने लगे। उनका एक ही पुत्र था, उसका नाम था शंकर। अपने देश में पढ़ाई पूरी करके विदेश में पढ़कर आया, वहां से IAS की परीक्षा उसने दी और उसमें सफल होकर नौकरी में आया। कंदस्वामी शेट्टियार के घर एक खाना बनाने वाला रसोईये का नाम मुत्तांडी था। वह बहुत ही योग्य और अच्छा था। वह परिवार के हर काम में मदद करता। वह कभी ये नहीं सोचता यह मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है।
घर के प्रत्येक काम को स्वेच्छा से करता। घर का कोई भी सदस्य उसे नौकर नहीं मानता था, सभी उसे घर के सदस्य ही मानते थे। इसमें साफ नहीं आ रहा, इसमें साफ आ रहा। वह परिवार के सदस्य जैसे ही इज्जत है ना, तो इसी में वह सदस्य मानते थे और परिवार के सदस्य जैसा इज्जत देते थे, पूरे सब लोग घर वाले मामा कर उन्हें बुलाते थे। वह भी खुद को घर का सदस्य ही समझता था। उस जमाने में मजदूरी तथा वेतन दोनों ही बहुत कम होते थे। उसको 25 रुपए मासिक मिलता था, जो पूरा ही बच जाता था, क्योंकि कपड़ा खाना अन्य खर्च शेट्टियार ही करते थे। जब शेट्टियार मरे तब मुत्तांटी के 10,000 रुपए जमींदार के खजाने में थे, क्योंकि जो 25 रुपए मिलता था उनको, तो इसमें ब्याज जमा नहीं था। शेट्टियार के मैनेजर ने इन रुपयों को मुत्तांडी को दे दिया, उसे कहीं गांव में सुरक्षित रखने के लिए कहा, ताकि उसका ब्याज भी आता रहे। उसने शादी तो की नहीं थी, अतः वह रुपया जमा होता चला गया। अब इस परिवार का मुखिया कुमार शंकर चेट्टियार हो गया। शंकर चेट्टियार की अभी शादी नहीं हुई थी, वह दिंडीकल का कलेक्टर बन गए थे। फिर उनका तबादला तिरछी हो गया। वहां पर पढ़ी लिखी नायडू लड़की से उनका संपर्क हुआ, दोनों में प्यार हुआ, फिर विवाह हो गया। अब मुत्तांडी कलेक्टर के घर पर काम कर रहा था। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसका स्वास्थ्य जो है अच्छा होने के कारण घर का पूरा काम वही करता था। अब उसका वेतन 40 रुपए है। शंकर शेट्टियार बोले, मुझे इतने रुपयों की कहां जरूरत है। वो मतलब मुत्तांडी बोला, शंकर शेट्टियार, मुझे इतने रुपयों की कहां जरूरत है। शंकर, तुम्हारे पिताजी जो देते थे वह रुपया ही मेरे लिए बहुत है। नहीं मुत्तू मामा, इस जमाने में तुम्हारे काम के 40 रुपए तो न्याय संकत है, कहकर उसे जबरदस्ती मानने को और शंकर ने बाध्य किया। उसकी पत्नी राधा मणि को ये पसंद नहीं आया। आप क्यों उसे जबरदस्ती अधिक वेतन दे रहे हो? 25 रुपए के बदले 30 रुपया कर देते तो ही काफी नहीं था क्या? अपने पति से वह बोली, यह तो शंकर कुछ नहीं बोले। वह बोली, ठीक है आपकी इच्छा, कृपा कर इस रसोइये को कह दीजिए कि वह आपसे आदर से बोले। वह आपको शंकरा कहकर बुलाता है, जैसे अपने पुत्र को बुला रहा हो। एक नौकर ऐसे बुलाएं तो यह ठीक नहीं। आप इसे कहें वो आपको महाराजा कहकर बुलाएं। आप भी उसे मामा मामा कहकर ना बुलाएं। मामा को नौकर को नौकर की जगह ही रखना चाहिए, नहीं तो शहर में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। पहले तो शंकर शेट्टियार ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन बोले, वे मुझे बचपन से ही कंधे में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। मुझे अपना बच्चा मानकर मेरे साथ खेलते थे। हमारे परिवार के साथ कई सालों से रहते हैं, उन्हें सिर्फ नौकर समझना ठीक नहीं। इस पर भी उनकी पत्नी नहीं मानी। वो बोली, ये सब चलन नहीं है। 700 रुपए कमाने वाले कलेक्टर को अरे शंकरा कहकर एक नौकर बुलाए। वह अरे कहकर तो नहीं बुलाता, सब एक ही बात है। आप तो उस नौकर की तरह ही उसे रहना चाहिए। जिद करके आखिर में इसमें वह सफलता भी पा गई। मुत्तांडी मामा, वो अब मुझे बोलना ही पड़ा कलेक्टर को, मुत्तांडी मामा अब मुझे महाराजा कहकर बुलाना पड़ेगा। मालकिन को भी अब उसे अम्मा जी कहकर बात करोगे, नाम लेकर नहीं बुलाओगे।
ये हमारे लिए नई जगह है। शहर बड़ा शहर है, सभ्य समाज के नियमों के अनुसार ही हमें रहना होगा। इस तरह समझाकर शंकर शेट्टियार ने उसे तैयार किया। कुछ दिनों तो मुत्तांडी सहन करता रहा, पर आगे आगे उसकी स्थिति बड़ी कष्टप्रद हो गई। मालकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सहेलियों से कहती, ये बूढ़ा बेताल है, और मुत्तांडी को सुनाई दें इस तरह ही बात करती, उसके काम में फुर्ती नहीं है, इस बूढ़े के बदले एक छोटे लड़के को काम के लिए रख सकते हैं, ऐसे रोज पति से वो शिकायत करती थी। एक दिन पति पत्नी एक नौकर के लिए आपस में मन मुटाव करते रहेंगे, कब तक करेंगे। एक दिन शंकर ने मुत्तांडी को बुलाकर कहा, मुत्तु मामा, तुम गांव जाकर आराम से रहो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमने बहुत काम कर लिया, अब बस करो। ऐसा कहकर उसके हाथ में 200 रुपये दिए और इसे ले जाओ और यादगार स्वरूप रख लो। शंकरा, नहीं महाराजा, मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें कौन ठीक से देखेगा, ऐसा कहकर भिलक भिलक कर रोने लगा। पत्नी आकर नाराज होगी सोचकर शंकर शेट्टियार कमरे से बाहर चले गए। मालकिन आई, अम्मा जी, नौकरी छोड़कर गांव जा रहा हूँ, महाराजा ने रुपए दिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए वह भगवान ने मुझे दे दिया है, कहकर राधा मणि को उसने रुपए वापस दे दिए। इन रुपयों को देखकर राधा मणि गुस्से से पागल होकर कुछ अंग्रेजी में बड़बड़ाते हुए कमरे से सीधे पति के पास पहुंची। इस बुड्ढे को 200 रुपए दिए तुमने? अलका जी को नमस्कार, अर्पण जी को नमस्कार, सुधा जी, अरोड़ा जी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं। इस बुड्ढे को 200 रुपए दिए तुमने, इस तरह तुम वेतन को बेकार कामों में खर्च करते हो। पति को बहुत गुस्सा आया, इन बातों से तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है ऐसा ही है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये बुड्ढा तुम्हें चाहिए, जाते जाते भी हमारा झगड़ा करवा कर जा रहा है, कहकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े और वह कुर्सी पर बैठ गई और रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया। पति ने उसे प्रेम से समझा कर बात की। उस समय राधा मणि गर्भवती थी, उसका 8वां महीना चल रहा था। 1 साल बाद शंकर शेट्टियार का मदुरई तबादला हो गया, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 1 साल भी हो गया और अपने बेटे की वे लोग सालगिरह मना रहे थे। अचानक मुत्तांडी आया, बच्चे को देखने चला आया, तुमने बुलाया नहीं फिर भी आया। उसने शंकराव को बोला कि तुमने नहीं बुलाया फिर भी मैं आया, तुम्हारे पिताजी कंदा स्वामी राजा ही पैदा हुए हैं, ऐसा भी बोला उन्होंने। 100 साल जी कर दादा जैसे अच्छा नाम कमाना चाहिए, ऐसा बच्चे को उसने आशीर्वाद दिया और उसके हाथों में 1 जोड़ी सोने के कड़े पहना दिए। ये मेरा तोहफा है, इसे ले लो, कहकर कुर्सी के बीच की जो जगह थी नीचे बैठ गया। 15 मिनट बाद 5 सुपारी मिश्री लेकर खाने के लिए न रुककर बस के लिए देर हो जाएगी कहकर चला गया। बूढ़ा अच्छा आदमी है, तब राधा मणि बोली, अब बूढ़ा उसको अच्छा लग रहा है सोने के कंगन देख के, इसमें क्या संदेह है। शंकर शेट्टियार बोले, इस जमाने जैसा चोर आदमी नहीं है, इस उसे खाने के लिए रोक लेते, बिना खाए जला जा रहा है। पत्नी बोला, शंकर शेट्टियार पुरानी बातों को याद कर हंस दिए।
ये थी मुत्तांडी में उनका श्री राजगोपालचारी की कहानी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये एक नौकर ने देखी कितना स्वामी भक्त था, उसको जो पैसे थे सारे पैसे भी उनको नौकर ने दे दिए। मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि एक अपनी कहानी उलझन सुनाओ। उलझन जो है कहानी है, मैंने इसलिए लिखा है ये कि जैसे मुझे लगा कि औरतें बड़ी जल्दी सब जगह बड़े एडजस्ट कर लेती हैं, आदमियों को थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने में, तो इस बात पर के आधारित है ये कहानी उलझन। आप सच कह रहे हैं क्या, मैंने पूछा। हाँ, वे बोले, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं उन्हीं को देखने लगी, मेरी आंखें गीली हुई। सर्विस मिलने के बाद पहले दिन उनसे ही उनके मन में होने वाला संदेह था। इस 10 सालों में उनका हमेशा बड़बड़ाना जारी रहा। हम जयपुर ही लौट जाते हैं ममता। मैं क्या मना करती हूँ, ट्रांसफर देते ही नहीं है। मैं तो आपके साथ ही हूँ, मैं रुकावट थोड़े ही डाल रही हूँ। हर 10 दिन में 2 बार बातें हम दोनों के बीच में ये होती ही रहती। शुरू में से ही उन्हें बंबई पसंद नहीं था। किराए पर 7 माले पर मिला फ्लैट भी उन्हें पसंद नहीं था। अपने अपने कार्य के लिए लोग भागते दौड़ते रहने वाले लोग भी इन्हें पसंद नहीं आए। अरे, लोग आधा इंच भी मुस्कुराते हैं क्या, देखो, नहीं मुस्कुराते। जन्म जन्मांतर के दुश्मन जैसे देखते हैं। ऑफिस में भी आपस में कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं चाहते। अपनापन तो इन लोगों में है ही नहीं। ऐसे कहते ही मेरी हंसी आ जाती, मुझे हंसी आ जाती। पति देवता कहते हैं, क्यों हंस रही हो, दूसरों से ही मुस्कुराने की उम्मीद क्यों, पहले आप ही मुस्कुराइए ना, बदले में वे भी मुस्कुराएंगे। पहले आप अपनत्व तो अपनी ओर से दिखाओगे तो फिर वे भी अपनत्व तो दिखाएंगे। शुरुआत आप ही करो ना। तो ये दोनों में आपस में बॉम्बे आने के बाद बात हो रही है। बॉम्बे पसंद नहीं था पति को। मुझे दूसरों से मिलना जुलना नहीं आता, ऐसा कहना चाहती हो क्या, तुम्हें पता नहीं ना, तुम्हें पता नहीं जयपुर में मेरे कितने पक्के दोस्त हैं, जो एक दूसरे पर हम जान छिड़कते हैं। महीने में 2 दिन जयपुर क्यों भागता हूँ, मेरे दोस्तों को देख मिलकर मेरी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। ये बातें तो सच है, कोई वो चिड़चिड़े स्वभाव के नहीं है, मिलनसार व्यक्ति है, परंतु जयपुर में रहते थे तब हम हर इतवार को हमारे यहाँ पर उत्सव जैसा होता था, कभी हमारे घर कभी दोस्त के घर, बिना नागा सभी दोस्त हाजिर हो जाते। दोपहर का भोजन सब मिलजुल कर बनाते, सब्जी काटने से लेकर बर्तन मांजने तक सब काम में आपस में मदद करते। पास में खाली जगह दोपहर को नेट बांधकर शटल कॉक खेलते हम सब मिलकर। उसके सारे दोस्त, उनकी पत्नियां, बच्चे, सब हम ताश खेलते, गप्पे हांकते, कभी राजनीति पर, कभी सामाजिक विषयों पर चर्चा होती रहती थी। महीने में सिर्फ एक इतवार को सब अपनी पत्नियों के साथ आएंगे, ऐसा आपस में फैसला किया था। अतः एक दिन गाने बजाने का क्विज, अंताक्षरी सब में इतने व्यस्त रहते कि समय का ज्ञान ही नहीं रहता। सब बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह से भाग लेते थे। साल में 2 बार परिवार के साथ हम परिवार के बाहर बड़े पिकनिक के लिए रमणीक जगहों पर यात्रा करते।
वह कभी भूल न सकने वाली रोमांचक यात्रा होती थी। साल में एक बार बिना परिवार के सिर्फ पुरुष दोस्त मिलकर शहर के बाहर पिकनिक पर जाते थे। क्यों, इस बार पीने की पार्टी है क्या, मैं पूछती। नहीं नहीं, ये सब तो छोड़ दिया है, ये कहते, परंतु झूठ ऐसा बोलते कि सच सामने आ जाता। एक बेवकूफी हंसी हंसते हुए कहते, सिर्फ एक दिन ही पीने की पार्टी होती है, उसमें भी मैं सिर्फ दो पैग ही लेता हूँ। ऐसा बोलते, उनके सिर पर हाथ फेर कर मैं कहती, आप बहुत अच्छे हो। वे चाहते तो इस बात को छुपा सकते थे, मैं पूछूंगी भी नहीं, पर वे कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाते। यही नहीं, प्यार, मोह, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, किसी भी बात को वे छुपा कर रखना नहीं जानते। हमारे बेटे आर्यन का जब पहला जन्मदिन आया, पूरे घर में गुब्बारे व रंग बिरंगे फूलों के झालरों से सजा रहे थे। तब उसी दिन इन्हें बम्बई में सर्विस के लिए ऑर्डर मिला। इनकी पढ़ाई की योग्यता के हिसाब से एक बड़ी कंपनी में बम्बे की शाखा में सहायक मैनेजर पद पर 6 लाख का पैकेज मिला। सब कुछ बढ़िया था, परंतु इनका पहला शब्द था, नहीं चाहिए। पर क्यों? ममता, मैंने प्रार्थना पत्र में लिख दिया था कि मैं आपकी जयपुर शाखा में ही नौकरी करूंगा, जहां जगह खाली हो वहीं आपको रखेंगे ना। नहीं ममता, मुझे नहीं जाना, मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, वहीं काम है। आप मैं दो ही होते तब तो ठीक था, इतनी कमाई हम दोनों के लिए बहुत थी, पर हमारे बच्चा आर्यन आ गया है, इसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है ना, बहुत खर्चा होगा जी। समझ रहा हूँ, अभी जो वेतन ले रहा हूँ उससे 3 गुना अधिक वेतन है, यही तो आकर्षण है। मुझे तो कभी बम्बई पसंद नहीं आया, ऑफिस के काम से जब भी बम्बई जाता तो वहां मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं वहां टूर पर जाने को भी टालता, ने की सोचता, फिर भी जाना पड़े तो एक दिन में वापिस आ जाता। वहां इतनी भीड़, जल्दबाजी, भाग दौड़, बदबू, गंदगी, छी छी छी, वहीं वहीं रहना नहीं, कभी नहीं। मुझे देखकर कहो, क्या यही आपकी समस्या है? वो सच बोलूं तो अपने सभी दोस्तों को छोड़कर मेरे लिए कष्टप्रद ही नहीं, असहनीय भी है ममता। हम सब स्कूल के जमाने से ही साथ साथ रहते थे, करीब 20 साल से हमारी दोस्ती है, हम रोज मिलते हैं, यदि ना मिलें तो हम फोन करते हैं। सबसे बिछड़ कर रहने की बात को मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा लगता है पागल हो जाऊंगा, ये ऐसे कहने लगे। आपकी बात सही है, और अपना जीवन भी जरूरी है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मुंबई जाते हैं, बोलकर तुरंत बोले, दूसरा रास्ता नहीं है क्या? ठीक है, चलेंगे। रुककर बोले, क्यों बिना पसंद के कोई फैसला लें? क्यों बिना फैसला के कोई फैसला लें? बोले, मैं बोली, मैं एक बात बोलूं? बोले, क्या? शादी करके पति के घर आते समय सभी महिलाओं को ये तड़प होती रहती है, क्या भावनाओं का संबंध सिर्फ आदमियों के लिए ही है, हमें नहीं है क्या? कोटा में पढ़ते समय मेरी भी सहेलियां नहीं थी क्या? मेरी सहेलियां मुझ पर जान देती थीं, हम भी जान देने वाले दोस्ती करती थीं, पर क्या हुआ, आधे लोग मेरी शादी में न आ सके। यहाँ जयपुर मेरे आने के कुछ समय तक तो पत्र व्यवहार चला जैसे होता है, फिर वह भी खत्म हो गया।
अब तो कौन कहाँ है ये भी पता नहीं। ममता, दिल्ली में होने वाले तुम्हारी एक सहेली की शादी में तो मैं तुम्हारे साथ गया था ना, सिर्फ उसी के लिए तो गए थे। अरे मैं आपको गलत नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ कि वातावरण बदलने पर कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। मैं ये ही आपको समझाना चाहती थी। उन्होंने घूर कर देखा, बोले, समझा, मुझे साफ सुथरे समझ में आ रहा है कि हम बंबई जा रहे हैं। इस तरह हम लोग बंबई आ गए। मुझे बंबई से कोई नफरत नहीं हुई। शहर में क्या है, अपने मन में सब कुछ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे ही थोड़ी कहा है। आर्यन हमारे घर में रहने से ज्यादा दूसरों को घर में अधिक रहता था। मुझे आर्यन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती। कोई भी पड़ोसी उसे अपनी गोदी में लेकर चला जाता। वहां करीब 128 घर थे, उसमें से आधे से ज्यादा महिलाओं से मेरा परिचय हुआ था। हम सब सहेलियां बन गई थी। होली, दिवाली, ईद, रोट तीज, क्रिसमस आदि सभी त्योहारों में कुछ ना कुछ घरों में खाने पीने की चीजों का लेन देन चलता ही रहता। हम महिलाओं की एसोसिएशन बन गई थी और जिसमें नवरात्रि में गरबा होता था। हम सब मिलकर एंजॉय करते थे। आर्यन जब दूसरी कक्षा में गया तो हमने उसका जन्मदिन मनाया। 40-50 घरों में सब लोगों ने आकर घर तोहफे से भर दिया। मेरी पहचान के व आर्यन के स्कूल के दोस्तों के मम्मी पापा सब बड़े प्रेम से आए। आर्यन के पापा ने कभी किसी से संबंध नहीं बनाए, न किसी से संपर्क ही रखा, सिर्फ जयपुर न पहुंच पाने के गम में दुखी रहते। आप सबसे मिलकर घनिष्ठता क्यों नहीं बढ़ाते? थोड़ा हंसकर मिलो तो वे उधार मांगने लगते हैं ममता। कुछ भी बहाना मत करिएगा। सच क्या है पता है क्या? आपके जयपुर के दोस्तों के सिवाय आप किसी को अपने मन के पास ही नहीं आने देते। आपने बीच में एक बड़ी दीवार बना रखी है। उनके जैसे प्यारे मनुष्य यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है ममता। आपकी निगाह में ही प्रॉब्लम है। कुछ लोग स्वार्थी हो सकते हैं, पर सब लोग ऐसा नहीं है। मैं और आर्यन सबसे मेल जोल नहीं रखते हैं क्या? मैं कह नहीं पा रही हूँ यहाँ पर मैं कहे कह नहीं पा रहा हूँ सॉरी मैं कह नहीं पा रहा हूँ यहाँ सब मैनेजरों के ट्रांसफर होते थे, तब मैंने अपने ट्रांसफर के लिए इन लोगों से बहुत प्रार्थना की और अपने जयपुर ट्रांसफर के लिए बड़ा गिड़गिड़ाया। किसी ने मेरी सहायता नहीं की। क्या समय है? एक बात बताओ, मेरी जयपुर बदली हो जाए तुम आने को मना तो नहीं करोगी ना? नहीं नहीं, मुझे तो मेरी कोई समस्या ही नहीं है। आप मुझे झारखंड भी जाना पड़े और आप बुलाओ तो मैं वहां भी चली चलूंगी। नई जगह, नई भाषा, नए आदमी, यह सब मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ये तुम्हारा गुण है, ये 90% औरतों का गुण है। अब मुझे लगता है कि आपको भी बात समझ में आ गई होगी। हर वातावरण के अनुकूल जो अपने आप को डाल लेता है वह सुखी रहता है। ममता, अब मैं भी वातावरण के अनुसार अपने को बदलूंगा। सुखी व खुश रहने का यही एक मूल मंत्र है। ये मेरी कहानी उलझन थी। आपको कैसे लगी? हमारे अलका जी को तो ये जो है संवेदनशील लगी उनको, और अच्छी लगी, भावुक लगी। और मैं अपना जो आगे
अपनी वो अपने बारे में आगे बताना चाह रही हूँ और उसके बाद आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगी। मेरे आपको बताया जैसे कि दक्षिण की प्रतिनिधि कहानियां छपने के बाद निरंतर उमा जानकी रामन की भी मैंने छपा ली थी। उसके बाद 21 अक्टूबर को एक कंपटीशन में मुझे जो अवार्ड मिला वो भी मैंने आपको बताया। अब जो है मुझे उसके बाद कई पुरस्कार मिले और कोटा में जो है महाश्वेता देवी का पुरस्कार वहां के से भी मिला। अब मैंने एक दूसरी किताब जो कि हिंदी में उन्होंने साहित्यिक मंडल नाथ द्वारा से भी हिंदी भाषा विभूषण का पुरस्कार भी दिया और दो लघु कथाएं स्पंदन में मेरी पुरस्कृत हुई और स्वयं सिद्धा का अवार्ड भी मुझे 2018 में मिला। ऐसे छोटे मोटे पुरस्कार मुझे मिलते रहे जो मेरे प्रेरणा के स्रोत थे। इन कहानियों का पुरस्कार मिलने के साथ ही मैंने एक बेटी का पत्र नाम की कहानी लिखी जो 2019 में बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई और उसके साथ ही मैंने एक श्रेष्ठ कहानियां तमिल की श्रेष्ठ कहानियां भी पुस्तक छापी लिखा और उसको उन्होंने छाप दिया बोधि प्रकाशन से ही। और एक राजा जी की कथाएं जो बच्चों की थी एक दूसरी कहानी की किताब भी साहित्यकार ने छापी और इस किताब पर मुझे मध्य प्रदेश के लेखिका संस्थान से प्रथम पुरस्कार मिला। और मेरे को इस तरह मुझे मेरा साहस और भी बढ़ा, उत्साह बढ़ा और मैंने आर चूड़ामणि की 2019 में, उन चूड़ामणि बहुत बड़ी राइटर हैं, दक्षिण की मानी हुई राइटर हैं, तो उनका इडर शुडर नामक एक उपन्यास था जिसको मैंने दीपशिखा के नाम से जो है अनुवाद करके प्रकाशित हुआ। और यह एक मनोवैज्ञानिक पर आधारित किताब है और उपन्यास है सॉरी। तो इस मनोवैज्ञानिक उपन्यास में मुझे मैंने वहां पर एक कंपटीशन रखते हैं अपने, हैं तो वो राजस्थान के चूरू के, पर कमला गोयन का पुरस्कार बैंगलोर में उनकी संस्था है, तो उन लोगों ने मुझे बालकृष्ण गोयन का अनुवादित पुरस्कार से पहला पुरस्कार मिला और इसका मुझे बहुत ही गौरव प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुश थी। उन्होंने आने जाने का फेयर वगैरह भी दिया और बड़े बड़ी इज्जत करी, पर ये मार्च 15 तारीख को था, 14 को मैं रवाना होने वाली थी, 13 तारीख को कोरोना की वजह से, कोरोना के कारण और साथ बहुत सारे हमें परेशानियां हुई, उसमें ये एक परेशानी मुझे हुई कि मैं इसको लेने के लिए वहां ना जा सकी और उन लोगों ने, तो खैर उन लोगों की कृपा थी, उन्होंने घर पर ही मुझे भेज दिया। और इसके बाद मैंने लिख तो रही ही थी। अब मैंने आपको जैसे कि बताया मैं चेन्नई जाने का मौका भी नहीं छोड़ती कोई, क्योंकि मेरे को किताब भी लेनी होती, साहित्यकारों से मिलना भी होता। तो 65 साल की उम्र में तो मैंने लिखना शुरू किया और ये जो है आपको जैसे कि मैंने बताया अब मेरे को अनुवाद में ज्यादा ही वो मिल रही है, अच्छा लगने लगा। तो मैंने सोचा अनुवाद तो कहानियों की मैंने बहुत कर ली है, मेरी किताबें भी, मैं इसके बाद तो साक्षात्कार भी लेने लगी, कवर स्टोरी भी लिखने लगी और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में छपने भी लगी सा, तो क्या नवनी, सरिता, कथादेश, आहा जिंदगी, ककसाट, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, डेली न्यू, सारी भूमि, साहित्य अमृत, अब बहुत सारी किताबें। तो अब मैंने ये सोचा ये इडर शुडर का जैसे एक उपन्यास का किया उस पर पुरस्कार मिला, तो उसके बाद कोरोना में जो मुझे पुरस्कार लेने तो नहीं जा पाई परंतु उस समय का मैंने सदुपयोग करके एक 10 और उपन्यासों का
मैंने वो अनुवाद किया। और सबसे पहले तो मैंने ये कोरोना के पहले कर लिया था। एक सुब्रमण्य भारती हैं, वो कोयम्बतूर के हैं, तो कोयम्बतूर के जो मिल मालिक हैं छोटे छोटे बच्चों को काम पर रख के उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उनको कहते हैं कि हम मंगलसूत्र बना देंगे, लड़कियों का कहते हैं शादी के लिए मंगलसूत्र, गरीब हो शादी में मंगलसूत्र देंगे, और ये वो कह के उनको काम पर रख लेते हैं और ना ठीक से पैसा देते हैं ना खाने को देते हैं, और फिर चल रहे हैं और फिर कुछ भी ना देकर और उन्हें इतना बीमार कर देते हैं। वहां की वातावरण बहुत गंदा है, उस गंदे वातावरण में बीमार हो जाते हैं, और किसी का हाथ कट जाता है मशीन में आने से, कोई टीबी हो जाती है, और इस तरह की उनकी जिंदगियां खराब हो जाती है। तो वो उपन्यास का है नाम है टूटन करके मैंने अनुवाद किया। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी लेखिका है जिनका नाम है वासंती, उन्होंने 150 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखती हैं, और इंडिया टुडे की वो संपादिका रही हैं 10 साल तक, वासंती नाम है उनका। तो उनके उपन्यास मुखोटा पर मैंने अनुवाद किया। जननम, आलू पखारा, ये सब जो हैं उस पे हैं, मातृ भारती वेबसाइट पर चल रही हैं और अच्छे उपन्यासों में माने जा रहे हैं। उसके बाद एक सज्जन है राजेश कुमार, उन्होंने 1500 उपन्यास लिखे हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। तो उनकी मैंने उपन्यासों का भी किया। उनके उपन्यास का नाम है विवेक तुमने क्या किया, और माचिस की तीली जो अभी भी उसमें चल रही है, करोड़ों करोड़ों बिजलियां यहाँ वहां और कहाँ, इनमें से कुछ मेरे ये अनुवाद करने के बाद किंडल पर हैं, कुछ जो है मातृ भारती पर है और कुछ शॉपिंगसन पे है। अब करोना का तो ये मैंने फायदा उठा लिया, और अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो अनुवाद ही करूं। और मुझे बड़ा अफसोस था कि हम ऐसे घर में बैठे हैं, परंतु बहुत से लोगों ने कहीं जाने को तो मिल नहीं रहा घर से, तो अब लोगों ने जो है जूम पे अपना फेसबुक में और मीट में लोगों ने जो है बहुत से वो आयोजन किया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि दूर दूर के जिनको हम जानते नहीं थे, भारत के ही दूर दूर, हम वैसे तो जयपुर के लोगों को ज्यादा जानते थे और मुलाकात भी हो नहीं पाती थी, परंतु ऑनलाइन की वजह से हमने सब लेखक लेखिकाओं के बारे में सुना और जाना, और बहुत अच्छा लगा इस बड़े बड़े लेखकों में सुनने के लिए। ये जन्म सुलभ पुस्तकालय के जो अर्पण कुमार जी हैं, वे भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये देखते हुए। मैं चाहती हूँ कि आपको एक कहानी, और आप इंटरेस्टेड हैं तो एक कहानी और सुना देती हूँ। इस कहानी का नाम है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये जैसे कि आप रिसाइकलिंग के नाम से पुरानी चीजों का नया करके करते हैं बहुत से लोग, इस तरह का ही कहानी है, उस पर ही आधारित है। अस्पताल के बरामदे में बैठे मोहित बाहर की तरफ फटी फटी आंखों से देख रहा था। सामने बगीचे में सुंदर फूल, आने जाने वाले, सेवा करने वाले कर्मचारी आदि थे। वहां सुंदर बच्चों की तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी, पर कोई भी चीज उसके ध्यान को आकर्षित न कर सके। उसका मन तो सुगना सुगना इसी ही नाम को जप रहा था। उसे सुगना के साथ बिताए 18 वर्ष आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई फ्लैशबैक में चल रहा हो।
जिस दिन सुगना को देखते मोहित और उसके मम्मी पापा और बहन गए थे, उस दिन उससे भी ज्यादा वे लोग सुगना से प्रभावित हुए थे। सुगना जो हलवा और पकौड़ी अपने हाथों से बनाकर लाई थी, उसकी तारीफ उसके पापा मम्मी अब तक भी करते नहीं थकते। उसके घर सजाने की कला पर तो मोहित की बहन भी फिदा है। सभी अपनी बेटी की तारीफ करते हैं, पर सुगना के पापा ने जो तारीफ की, उसके खाना बनाने की हो या इंटीरियर डेकोरेशन की, उसमें सचमुच में सुगना खरी उतरी। ससुराल वालों भी कहने लगे कि सुगना के पिताजी ने सचमुच सही तारीफ करी। हमारी बहू तो उससे भी ज्यादा काबिल निकली। शादी होकर आई तो दूसरे दिन ही सब लोग गिफ्ट के पैकेट को खोलकर क्या आया है देखने की उत्सुकता से देख रहे थे, परंतु सुगना गिफ्ट पैक किए हुए रैपर को सुंदर कागजों को बड़े धैर्य के साथ समेट के रख रही थी। क्यों बहू, उसको संभल कर क्यों रख रही हो, फेंक दो इन्हें, माँ के कहने पर ही सुगना बोली, रहने दो मम्मी, मैं इसे रख देती हूँ, फिर कभी काम आएंगे। उसके ऐसा कहते ही सब लोग जोर से हंस पड़े। अरे मोहित, तुझे तो बिल्कुल सही पत्नी मिली है, कहते हुए चाचा जी ने मजाक किया। भैया, आपकी तो अब शामत आ गई समझो, आप तो फैशन बदल गया कहकर अपने जूते, धूप का चश्मा आदि सभी पुराने को फेंक कर नया खरीद लेते हो। पर आप अब क्या करोगे, छोटी बहन ने झूठ मूठ फिकर करते हुए जैसे मुंह बनाया। किंतु बहन के कहे जैसे सुगना जो है मोहित की स्वतंत्रता में कभी कोई दखल नहीं दिया। उसका अपना अलग ही काम करने का ढंग था। वह कोई भी वस्तु को बेकार नहीं होने देती थी। बेकार वस्तु का रूप बदल कर घर की सजावट के उपयुक्त बना देती या उसे जरूरतमंदों को दे देती। घर में जो बगीचा था उसमें बहुत फूल उगते थे। सुगुना अपने घर के मंदिर की पूजा के लिए जरूरत के फूलों को रख कर और बाकियों को पास के मंदिर में ले जाकर देकर आती थी। घर के फल और सब्जी के छिलकों को खाद के लिए बगीचे में गड्ढा खोद कर उसमें डालती। माँ की पुरानी पतली साड़ियों को गद्दी बनाकर उसे घर के काम करने वाले बाई को या माली को या किसी भी जरूरतमंद को दे देती। बच्चों के छोटे हुए कपड़े या खिलौनों को तुरंत के तुरंत दे आती। सुगना सिर्फ सास के ही नहीं घर की हर सदस्य की जरूरत का ख्याल रखती। मोहित को अक्सर टूर पर जाना पड़ता, उससे क्या, वह बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों के घर आयोजन में आना जाना, सबकी मदद करना कभी नहीं भूलती थी। अचानक मोहित के कंधे को किसी ने पकड़ा, मुड़कर देखा तो मम्मी ही उसको पकड़कर रो रही थी। बेटा, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ, मुझे पकड़ने के लिए ही सुगना दौड़कर आई थी। इस तरह दादी को रोते देखकर पोती आकर चुप कराने लगी। मत रो दादी, मम्मी अपने को छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाएगी, 13 साल की लड़की दादी को आश्वासन देने लगी। स्नान करके बाथरूम से जब सास आई, अचानक उन्हें चक्कर आ गया और गिरने लगी। जब रसोई से आ रही सुगना ने उन्हें पकड़ने के लिए दौड़कर आने लगी तो उसके हाथ में तेल की जो कटोरी थी वह गिर गई और तेल फैल गया और उसी में पैर फिसल कर सुगना गिर पड़ी। गिरते ही सुगना बेहोश हो गई। जब अस्पताल ले गए तो पता चला उसके सर में गंभीर चोटें आई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बात को विधि का विधान न कहें तो क्या कहें। बड़े डॉक्टर सुगना को देखकर बाहर आए तो मोहित उठने लगा। डॉक्टर ने उसके
कंधे को दबाकर उसे उठने से रोका, वह उसके पास बैठ गए। ये जो है समायोजन का बहुत बड़ा गुण जो है वो उस कहानी के लिए अलका जी कह रही हैं। मोहित अपने मन को दृढ़ बनाओ, डॉक्टर बोले आप अपने मोहित अपने मन को दृढ़ बनाओ, हमने बहुत कोशिश कर ली, भगवान की कृपा नहीं है, क्या करें, उनका ब्रेन डेड हो गया, क्या करें, सिर्फ जान ही है, सांस चल रही है वह भी यंत्रों के कारण, उसको हटाते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ बेटे से लिपट कर रोने लगी, वह तो जड़ हो गया था। जैसे जैसे लोगों को पता चला सब रिश्तेदार आने लगे, मोहित तो जड़ हुआ बैठा रहा। डॉक्टर के बोले हुए शब्दों की प्रतिध्वनि के रूप में वही शब्द गूंज रहे थे, सॉरी मोहित, आपको सांत्वना देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, फिर भी आप चाहें तो अपनी पत्नी के अवयवों को जरूरतमंदों को दान दे सकते हो, ये तो पूरी आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। डॉक्टर के निवेदन को बच्चों से कैसे कहें, वे क्या इसे सहन कर पाएंगे, सुगुना के माता पिता को कैसे सांत्वना दूंगा, हे भगवान। पापा, बेटी ने भगवान आवाज दी। मोहित ने सिर उठाकर देखा, पापा आप क्या सोच रहे हो, पापा अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा से ही बहुत अच्छी ही है ना, पापा फिर भी मम्मी ने कभी किसी वस्तु को बेकार होने नहीं दिया, किसी न किसी तरह उसको दोबारा उपयोग में लाने के लिए बना कर ही दम लेती थी, जिस वस्तु की हमें जरूरत नहीं होती उसे मम्मी जरूरतमंदों को देकर ही दम लेती, ऐसी स्थिति में हमारी माँ के मरने का हमारे उनके शरीर के अंगों को दूसरों को उपयोग के लिए दें तो हमारी मम्मी को आत्मा को शांति ही मिलेगी। ये लड़की बोली। बेटी के ऐसे कहते ही मोहित की चिंता दूर हो गई, मन में जो असमंजस था वह भी दूर हुआ, बेटी के गले लगाया और अंदर का गुबार बाहर निकला, वह फूट फूट कर रो पड़ा। बरसात के बाद आई धूप जैसे शांत होकर बेटी के साथ डॉक्टर के कमरे की ओर बढ़ा। बेटी बोली, पापा मम्मी कितने महान हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी सभी वस्तुओं की रिसाइकलिंग की और जाते जाते अपने स्वयं के अंगों की भी रिसाइकलिंग के लिए दे गई। वे जिंदगी में जिन सिद्धांतों को अमल करती रही उसे जीवन के आखिर में भी अपने अंगों को दान देकर व्यवहारिक रूप दे दिया। हाँ बेटी, तुम्हारी मम्मी महान है। ये तो हुई रिसाइकलिंग। यदि आप लोग कहें तो एक और कहानी मैं आपको सुना देती हूँ, जंगल यात्रा। जंगल यात्रा पर जाने का जो ख्याल आया वो कैसे क्या इसके बारे में और जंगल यात्रा से क्या हुआ ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये मुझे लिखने का इसलिए बहुत मेरी बहुत पसंद की कहानी है, मैं हर जगह ये कहानी सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी सुनिए, आप लोग को भी बड़ा मजा आएगा। बहुत दिनों से मेरा एक शौक था, कुछ दिनों या कम से कम 2 दिन जंगल में एकांत में जाकर इन मानवीय शोरगुल से दूर प्रकृति के बीच में रहकर पशु पक्षियों का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। शादी के बाद जब हनीमून पर गए तो पत्नी की इच्छा के कारण हिल स्टेशन पर ही गए, वह भीड़ भाड़ वाली जगह थी। पिछले साल शादी में जब मैं बॉम्बे गया तब वहां पर मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा एक दोस्त शिवा मिला।
वह फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसका तबादला थाने में हो गया था। उसने मुझे शहर थाने में आने के लिए कहा। मैंने कहा, अभी तो समय नहीं है, फिर आऊंगा। वह बोला, राज, तुम्हारी पुरानी इच्छा थी ना जंगल में जाकर कुछ दिन रहें, अब अच्छा मौका है, अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ, मैं भी पत्नी के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। पहले ही तुम तारीख तय कर बता देना। थाने के पास ही एक जवाहर तहसील है, जो पहले राजघराने का अंग व इस प्रदेश की राजधानी थी। अतः राजा का बनाया वहां पर पुराना महल है, जिसका नाम है जय महल पैलेस। यहाँ हम रुक सकते हैं। ये पहाड़ी पर स्थित है। इसके चारों तरफ जंगल है, वह सुनसान है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। काजू के पेड़ भी हैं। उस महल के पास ही रुकने की व्यवस्था कर दूंगा। खाने की सब चीजें यहीं से खरीद कर एक कुक भी साथ लेकर जाएंगे। वहीं खाना बनवाएंगे। प्रोग्राम बनाकर मुझे सूचित कर देना। मुझे ये एक अवसर मिला। शादी में मुझे थाने के पास ही जाना था। 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं एक पत्नी जाने के लिए तैयार जो है करने लगे। मैं और पत्नी ने तैयार होने की तैयारियां करने लगे। मेरी पत्नी मीनू बोली, वह जगह सुरक्षित तो है ना? सुनसान जगह, 2 परिवार रहें, डर तो रहेगा ही। मोबाइल आदि भी नहीं चलेगा, क्यों? वहां नेटवर्क नहीं होगा। कोई समस्या हो जाए तो, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करेंगे? इस तरह पत्नी की शंकाओं का समाधान कर उसे तैयार करने में बहुत परेशानी हुई। फिर हम रवाना हुए। रात को रेल में बैठे। जब हम सुबह उतरे तो बहुत बारिश हो रही थी। एक टैक्सी कर जो होटल के पहले से बुक कर ली थी हमने, सीधे वहां पहुंचे। कमरे में नहा धोकर हम आए, फिर शादी के घर में पहुंचे। वहां से शादी से वापस आए तो मैंने शिवा को फोन लगाया। वह बोला, राज, मैं तो तुम्हें फोन करने ही वाला था। यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। हमें जहाँ जाना है उस रास्ते में एक बड़ा पुराना पेड़ गिर गया है, अतः वापस आना जाना बाधित हो रहा है। उसके ठीक होने में शाम हो जाएगी और इस रास्ते में शाम 6 बजे बाद जाने की अनुमति नहीं है। अतः तुम आज रात वहीं ठहरो, कल सुबह जल्दी रवाना हो जाना। भागचंद जी भी देख रहे हैं, अच्छा है। और अलका जी कह रही है, मातृ भारती पर आप छाई हुई हो। मातृ भारती में पूर्णयास डाले हैं, लोग पढ़ रहे हैं। और इस बार वो हर महीने का देखते हैं कितने लोग, मतलब हर हफ्ते तो वो श्रेष्ठ 10 लेखक को लेते हैं और महीने में 10-20 को। तो इस बार मेरा 10वां स्थान आया, ये खुशी की बात है, अच्छा लगता है। मेरे चेहरे पर निराशा देख मीनू ने पूछा, क्या हुआ, जाना कैंसिल हो गया क्या? उसके चेहरे पर एक तृप्ति नजर आई। तेज बारिश के कारण एक पुराना पेड़ गिर गया, सड़क ब्लॉक हो गया। आज रात हमें यहीं पर ठहरना होगा। कल सुबह मौसम कैसा है देखकर ही फैसला करेंगे, मैं बोला। आज का पूरा दिन यहीं बिताना होगा, अब क्या करें, सोचा तो मीनू बोली, क्यों जी, हमारे गोपाल मामा जी के यहाँ मिलकर आते हैं, वे भी हमें बार बार बुलाते हैं, रहते हैं। मीनू के मामा जी यहाँ बैंक में मैनेजर थे, वे यहीं से रिटायर हो गए। उनकी पत्नी
5 साल पहले ही मर गई। उनके कोई बच्चा नहीं था। जयपुर में उनकी पोस्टिंग थी तब हमारे घर आना जाना रहता था। उनके कोई बच्चा नहीं था इसलिए शायद मीनू और मुझे वे बहुत स्नेह देते थे। मुझे तो जरा ज्यादा ही चाहते थे। पत्नी के मरने के बाद अकेले अपार्टमेंट में रहना पसंद न होने के कारण उसको बेचकर देवाड़ा के पास सुदूर इलाके में वृद्धाश्रम में घर ले लिया। अब कभी सामाजिक आयोजनों में मिलते तो प्रेम पूर्वक बातें करते। क्यों भाई, कैसा चल रहा है? कोई पूछे तो वे कहते कोई समस्या नहीं है, तीनों समय वक्त पर खाना मिल जाता है। यहाँ मेरी उम्र के बहुत से लोग हैं, अतः शांति से गुजर बसर हो रही है। आप थाने या बम्बई आए, पास ही है, जरूर आइएगा। ओल्ड होम में जीवन कैसा है, ओल्ड होम का जीवन कैसा है देखिएगा। कितना ही छुपाना चाहें फिर भी उनके मन में अंदर एक अकेलापन का एहसास को चेहरे पर देखकर ही महसूस कर सकते हैं। मीनू के कहते ही मुझे भी लगा उनसे मिलना चाहिए। अब हमारी अलका जी कह रही हैं कि हर संकट की राह बनाता है, और ये जो है एक राह ये भी है, हमारा होम, ओल्ड होम। ठीक है, फोन करके पूछ लेते हैं। अभी मैंने बोला ठीक है भाई, मीनू की बड़ी इच्छा है, तो अपने जो है फोन करके मालूम कर लेते हैं कि वे घर पर हैं क्या। मैंने फोन किया तो उनसे बात फोन को बंद करके मेरी पत्नी बोली, मामा जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो राज, उनकी आवाज में खुशी महसूस हो रही थी, वह अवर्णनीय थी। यहाँ एक शादी में आए थे, हमें जैसे ही आपकी याद आई वैसे ही आपसे भी मिलने का सोचा। बहुत खुशी की बात है, जब चाहे आ जाओ। हाँ बताओ, अब आप कहाँ हो? रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं, कल सुबह ही हमें निकलना है। शाम को कोई कार्यक्रम है क्या? जरूरी तो कुछ नहीं। फिर आप ऐसा कीजिए, अपने कमरे को खाली कर यहाँ आ जाइए, आज आप लोग मेरे साथ ही ठहरिएगा। हमें सुबह जल्दी निकलना है, आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। वह सब कोई डिस्टर्ब नहीं है, तुरंत कमरे खाली करके टैक्सी पकड़कर आ जाओ। मैं व्हाट्सएप में अपना एड्रेस भेजता हूँ, वे बोले। पता नहीं क्यों ऐसी बात को मैं टाल न सका। टैक्सी रवाना हुई, कुछ दूर तो ट्रैफिक था, फिर एकदम सुनसान हो गया। चारों तरफ खेत, पहाड़, जंगल, प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर थे, आंखों को लुभा रहे थे। बहुत बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, गाने का मन हो रहा था, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। तो उन्होंने जो वृद्धाश्रम बताया वह वाड़ा के पास खेतों के बीच में था। लाइन में अलग अलग साठ घर बने हुए थे। टैक्सी के अंदर घुसते ही एक बुजुर्ग आदमी हाथ में छड़ी लिए सैर के लिए जा रहे थे। पहली लाइन वाले घर में जो खिड़कियां थी उसमें से कई आंखें कौन आया है सोचकर झांक रही थी। गोपाल मामा जी के घर पहुंचे तो बच्चे जैसे पिता का इंतजार करते हैं वैसे ही उत्सुकता से हमारा भी इंतजार कर रहे थे। आइए, आप लोग आए, बहुत खुशी हुई, कहते हुए कार के पास आकर हाथ को पकड़ लिया।
कैसे हो? तबीयत ठीक है क्या? मैंने पूछा। इसका क्या है? यह ठीक है, कहकर खुशी से बोले, मुझे भी देखने गेस्ट आए हैं। सोचकर बड़ी खुशी हो रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है, मुझे भी देखने के लिए गेस्ट आए हैं। सोचकर उन्हें खुशी हो रही है। पड़ोस में रहने वाले एक दंपत्ति जाकर देखने लगे। बनवारी जी, ये रिश्ते में मेरी भांजी है या उसके पति हैं, ये दोनों मुझे देखने आए हैं। उनका देखने आए हैं बोल के ही उनकी खुशी जो है बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसे वे अपने सामने दंपत्ति से बड़े गर्व से बोले। उनकी खुशी, बच्चों जैसा उत्साह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आइए, यही मेरा महल है, वे बोले। छोटे से बैठक में लगी हुई एक रसोई, उसमें इंडक्शन स्टोव रखा हुआ था। दूसरे कमरे में एक अलमारी में पूजा घर बना हुआ था। पास में दो बेडरूम जिसके साथ साथ बाथरूम भी थे। दोनों बेडरूम में एक एक बेड था जिसमें एक ही जने सो सकता था। सब साफ सुथरा और व्यवस्थित। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर चक्कर लगाकर मेस में जाकर खाना खाते हैं, वे बोले। हम बाहर आए तो आश्रम के एक-एक जगह के बारे में बड़े मनोयोग से हमें बताते हुए चले। रास्ते में जो मिला सबसे, ये मेरी भांजी है, इसका नाम मीनू है। ये उसका पति है, इसका नाम राज है। मुझसे मिलने आए हैं, बड़े गर्व से सबसे मिलवाते चले। अच्छा, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप लोग आते रहिए। कई लोग ऐसा कहकर उनकी खुशी में भागीदार तो बने, पर कुछ लोगों की आंखों में दर्द दिखाई दिया। खुशी को जाहिर किया पर उनकी आंखों में दर्द दिखाई दिया, ये बड़ी बात है। ये दिन मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा, गोपाल जी बोले। वे आश्रम का रूटीन कैसा है, मनोरंजन तथा वहां के रहने वाले आदमियों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे। जब खाना खाकर रात को घर आए तो उन्होंने जब तब सामने आने वाले खालीपन के बारे में बताया तो बहुत सारी बातें की। आश्रम में जिनसे हम मिले उसमें से कईयों के बच्चे नहीं थे, कईयों के बच्चे अमेरिका में रहते थे। इसके अलावा ऐसे भी लोग थे जिनके बच्चे यहीं पर थे, पर वे भी अपने को अनाथ समझकर यहां पर रह रहे थे। कई ऐसे भी जिन्हें घर पर बहुओं की समस्या थी। कितना भी ये आश्रम सुविधाजनक हो, सारी सुविधाएं हो, फिर भी कोई अजीब दुख, रिश्तेदारों की कमी उन्हें खल रही थी। इसके लिए वे तरस रहे थे। रुपए पैसे जितने भी हो, रिश्तेदारों के बिना जीवन में पूर्णता नहीं होती। ये मैंने उनकी आंखों में देखकर अनुमान लगा लिया। यहाँ आकर कुछ घंटे उनके साथ बिताने से उनकी खुशी को देख मुझे लगा, इससे बढ़कर कोई यात्रा हो ही नहीं सकती। इससे बढ़कर कोई यात्रा हो ही नहीं सकती जो मनुष्य को इतना तृप्त कर सके। मनुष्य को इतना तृप्त कर सके ऐसी कोई यात्रा नहीं हो सकती, मैंने ऐसा महसूस किया। एक दिन की विजिट से हम किसी इंसान को इतनी खुशी दे सकते हैं क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सही है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनों के बीच में खुश रह सकता है। रात में शिवा का फोन आया। अब रास्ता खुल गया है, सुबह जल्दी ही रवाना हो जाना है। आखिर एक दिन तो लोगों के परेशानियों के बिना रहेंगे, वह बोला। मैं क्या जवाब देने वाला हूं सोचकर मीनू मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। मनुष्य जहां नहीं रहते
वहां रहने के मुकाबले, जहां मनुष्य नहीं रहते वहां रहने के मुकाबले मनुष्यों के लिए तरस रहे हैं, वहां दो दिन ज्यादा रहना मुझे जरूरी लगा। नहीं शिवा, इस बीच यहाँ जरूरी काम आ गया है, अतः दो दिन यहीं रहना है, अगली बार मैं आऊंगा, बोलकर मैंने फोन काट दिया। मीनू का चेहरा मुस्कुराहट से खिल गया। मुझे तुलसीदास जी का दोहा याद आया, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। कैसे लगी आपको मेरी कहानी जंगल यात्रा? आप जो है वैसे भी समय हो रहा है, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार जो आप लोग आए, और खास तौर से जनम सुलभ पुस्तकालय के अर्पण कुमार जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इसमें लाइव आने का एक अवसर दिया, जिसमें मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस मैं इसके साथ सब लोगों को, मित्रों नमस्कार, अब मैं जो है इसको फिर मिलेंगे। समाप्त।